हुकूमत ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी। महंगी बिजली मजीद महंगी, कीमत में 3 रुपए 7 पैसे की यूनिट इजाफा। नोटिफिकेशन जारी, बिजली की कीमतों में इजाफा अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। महकमा तवानाई के अफसरान की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म। ग्रेड 17 से 21 तक अफसरान को इजाफी तनख्वाह बतौर अलाउंस देने का फैसला। ग्रेड 17 के अफसरान को 15,858 रुपए, ग्रेड 21 के लिए 55,538 रुपए मुकर्रर। मुफ्त बिजली सहूलत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। निगरान हुकूमत के सेहत की सहूलियात की जानिब इनकलाबी इकदाम। जनूबी पंजाब में गुर्दों के मरीजों को बेहतरीन तिबी सहूलियात मैसर होंगी। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज की अपग्रेडेशन का मंसूबा। जनूबी पंजाब के लिए PKLI2 कायम होगा। बहावलपुर वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर की भी होगी तैनाती। सर्च कमेटी कायम। जनूबी पंजाब में मौसम स्पीड के चर्चे। बहावलपुर के चोलिस्तानियों के लिए बड़ा ऐलान। अराजी ना रखने वाले काश्तकारों को 3,44,000 एकड़ जमीन देने का फैसला। फी किसान 12 एकड़ जमीन अलॉट की जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले सारफीन हो जाएं होशियार। 1 जनवरी से लर्नर लाइसेंस की फीस 1,000 रुपए हो जाएगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मौसी नकवी की ज़ेरे सदारत काबीना इजलास में फैसला। सस्ती अशय खुरनोश भी आवाम की दस्तरस में ना रही। सरगोधा में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और सब्सिडाइज घी ना मिलने पर शहरी परेशान। बाजार से महंगे दामों अशिया खरीदारी पर मजबूर। उधर कायमपुर के यूटिलिटी स्टोर्स पर हफ्ते में आटे के सिर्फ 120 बैग फराहम। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। लोथरा में आटा 5400 रुपए फी मन फरोख्त होने लगा। मेहनत कश परेशान। 135 रुपए फी किलो आटा खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने हुकूमत से तर्स खाने की अपील कर दी। कहा 1 किलो आटा खरीदने की सख्त नहीं। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल को खाद की जरूरत। जलालपुर पीवाला में खाद मार्केट से गायब। ब्लैक में महंगे दामों फरोख्त होने लगी। कंट्रोल रेट पर खाद की फरोख्त यकीनी बनाया जाए, किसानों का मुतालिबा। जनूबी पंजाब में साफ पानी की फराहमी मसला बन गया। मुल्तान में जेरे जमीन पानी में जहरीले मादों का इजाफा। इंडस्ट्रीज का आलूदा पानी नहरों में फेंका जाने लगा। आलूदा पानी पीने से शहरी मुख्तलिफ अमराज का शिकार। बारह शिकायात पर सुनवाई नहीं हुई। शहरियों की दुहाई। जेरे जमीन पानी की सतह 200 फीट तक चली गई। आवी माहरीन ने सिर्फ जरूरत में पानी के इस्तेमाल की हिदायत कर दी। बहावलपुर को पानी फराहम करने वाले 18 ट्यूबवेल्स बंद। शहरी जेरे जमीन आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर। डेरा गाजी खान में घरों में सप्लाई होने वाला पानी बदबूदार। मुजफ्फरगढ़ में 13 साल कबल शुरू होने वाला साफ पानी का मंसूबा ताहाल नामुकम्मल। पानी तो आता है लेकिन इंतहाई बदबूदार पानी होता है। वो पीने के काबिल है नहीं। वो मजबूरन हमें फिल्टर से लाना पड़ता है पानी पीने के लिए। अब वजू से काबिल नहीं है। वजू नहीं होगा फिर नमाज नहीं होगी पानी से। पानी बहुत गंदा है जी, किसी काबिल नहीं है। इस्तेमाल तो कर ही नहीं सकते। अगर कुल्ली भी बंदा करता है ना, ये बहुत बदबू है। अब तो बंदा बीमार हो जाता। सारा पानी खराब हैगा, पीने का है नहीं। दुनिया बीमार होने लग रही है। ये जो उनसे टंकियां भर के लेके जावे, ये पैसों से देवे। गरीब आदमी कहाँ जावे? गरीब का तेल निकल रहा। पैसे सारे खा के मशीन लगा दी हैं, दिखा दिया भाई ये खड़ी है, हम देते हैं वो करते करते दुनिया मरने लग रही है। सरगोधा के शहरी साफ पानी से महरूम। साफ पानी के लिए लगाए गए अक्सर फिल्टर्स नाकारा। बेशतर प्लांट से मोटरें और मुख्तलिफ पार्क्स चोरी हो गए। इतला के बावजूद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कानों पर जू तक ना रेंगी। शहरियों का आला हुकाम से इतला अहवाल का मुतालिबा। जनूबी पंजाब के मुताबिक शहरों का सिवरेज सिस्टम नाकारा। डेरा गाजी खान में गंदा पानी सड़कों पर जोड़ों की शक्ल इख्तियार कर गया। ताफुन फैलने से बीमारियां आम, सांस लेना भी महाल। राजनपुर में अमीर कॉलोनी में सिवेज मसाइल शिद्दत इख्तियार कर गए। पीरोवाल में सिवेज सिस्टम नाकारा। मकीन अपनी मदद आप के तहत डिस्पोजल चलाने लगे।
लोधरा का इकलौता कैनाल व्यू पार्क जबोहाली का शिकार, तफरीगा में खुदरू झाड़ियां जंगल का मंजर पेश करने लगी, झूले टूट फूट का शिकार, आबशार भी खस्ता हाल, इंतजामिया ने पार्क की हालत से मुंह फेर लिया। खैरपुर सादात में दिल्ली मरकजे सेहत के रिहायशी क्वार्टर्स खस्ता हाल, छतें दीवारें खिड़कियां दरवाजे टूट फूट का शिकार, रिहायशियों के सरों पर मौत मंडलाने लगी, अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक हुकाम को आगाह कर दिया गया है। चूनावाला के नवाही गांव 186 मुराद का गर्ल्स स्कूल 4 साल से बंद, इमारत इल्म की शमा जलाने वालों के मुंतजर, स्कूल से लाखों रुपए की सोलर प्लेटें और पंखे चोरी, महकमे तालीम की नजरों से ओझल इमारत भूत बंगले में तब्दील। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो मुल्तान की इमारत भी बजट के मुंतजर, बच्चे किराए की इमारत में रहने पर मजबूर, तीसरे मरहले का बजट 8 महीने बाद भी अल्तवा का शिकार, पहले मरहले में 30 मिलियन दूसरे में 4 करोड़ रुपए जारी हुए थे। खुशाब में पावर लूम्स इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर, इंडस्ट्री मालिकान मशीनें फरोख्त करने लगे, मालिकान कहते हैं बिजली के भारी बिल्स हैं, कारोबार जारी नहीं रख सकते, हुकूमत सरपरस्ती करे तो इंडस्ट्री तरक्की कर सकती है। जिला इंतजामिया मुल्तान का गिरा फरोशों के खिलाफ शिकंजा सख्त, 1 माह में 40 लाख से ज्यादा जुर्माने और 48 मुकदमात दर्ज किए गए, डेप्यूटी कमिश्नर मुल्तान रजवान कदीर की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास, डेप्यूटी कमिश्नर ने बड़े जखीरा अंदोजों पर हाथ डालने का टास्क दे दिया। कोहे सुलेमान में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन, कबायली इलाके राखी गाज में नॉन कस्टम पेड सामान की स्मगलिंग नाकाम बना दी, गैर मुल्की टायर्स चालिया गुटखा सिगरेट और चाइना नमक वगैरह बरामद किया। मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर, साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सूबाई वजीर सैयद अली हैदर गिलानी का NA 48 का दौरा, तहरीके इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान, साबिक सूबाई वजीर अली हैदर गिलानी का कहना था 8 फरवरी का नतीजा पीपल्स पार्टी के हक में आएगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ख्वाजा रिजवान आलम का दौरा खानेवाल, पार्टी रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, कहा पीपल्स पार्टी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ रहा है, आने इंतखाबात में पीपी जनूबी पंजाब में मैदान मारेगी। जनूबी पंजाब में 16 तरक्याती स्कीमें जारी हैं, सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ जनूबी पंजाब राणा अफजल नासिर खान कहते हैं सालाना तरक्याती स्कीमों पर 2.5 बिलियन खर्च किए जा रहे हैं, बेशतर मंसूबे 30 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएंगे। शुजाबाद सिविल अस्पताल में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी, 8 नए वार्ड्स, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर सप्लाई टैंक की तामीर, एडमिन ऑफिसर के मुताबिक मंसूबे पर 140 मिलियन लागत आएगी। सैर व सियाहत के शौकीन बच्चों के लिए अच्छी खबर, पीएचए मुल्तान का शासन स्वास्थ्य ने गैर पाल मोनोट्रेन पाल का फैसला, डायरेक्टर मार्केटिंग ने इंजीनियरिंग ब्रांच से तफसीलात तलब कर ली, शासन स्पा की मोनोट्रेन 12 साल से गैर पाल थी। राजनपुर में मोहल्ला कोटला पीरन शाह के मकीनों की सुने गए, जामे मस्जिद सैयदना अबू बकर सदीक रजी तआला अन्हु के गिर्द गंदगी की खबर, डेप्यूटी कमिश्नर का नोटिस, मस्जिद के गिर्द गंदगी के ढेर हटा दिए गए। उधर कोट मोमिन में कई माह से कादिर पुल का रुका हुआ काम शुरू, तामीराती मटेरियल पहुंच गया, अधूरा काम तकमील की जानिब गामजन। लाल स्टॉक की बेहतरी के लिए खसूसी इकदाम, गोश्त और दूध की मिसाली पैदावार के हसूल के लिए हिकमत अमली तय, सेक्रेटरी लाल स्टॉक जनूबी पंजाब नासिर जमाल हुदियाना कहते हैं 11 लेबोरेटरीज भरपूर तरीके से काम कर रही हैं। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अदरीस खान का मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स का दौरा, बुनियादी मरकज सेहत झूक बुदू में सहूलियात का जायजा, डॉक्टर्स और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की, हिदायत जारी।
स्कूलों में हंगामे सूरत में इब्तदाई तबी इमदाद का मामला, महकमा स्कूल एजुकेशन ने फर्स्ट एड किट्स की तफसीलात तलब कर ली। स्कूल सरबराहों को फर्स्ट एड किट से मुतालिक परफॉर्मा मुकम्मल करके दो रोज में भिजवाने का हुक्म। कहरोड पक्का में मुनफरिद स्कूल, बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनर भी सिखाया जाएगा। जामिया इस्लामी अलबनातुल इस्लाम में सिलाई सेंटर का इफ्तिताह, हुनरमंद बच्चियां मुल्क के लिए फाल किरदार अदा करेंगी। हंगामे सूरत हाल में इब्तदाई तिबी इमदाद, आर्मी पब्लिक स्कूल देजी खान के तलबा की तरबियत, खून रोकने और दिल की धड़कन बहाल रखने की महारत सिखाई गई। तलबा ने अमली मश्क भी की, शीर तारीफी इतना तकसीम। और सर्दियों की मशहूर सौगात में गाजर के हलवे का कोई सानी नहीं, खानेवाल गाजर के हलवे की दुकानों का शहरियों का रश, खालिद दूध और मक्खन से तैयार गाजर का हलवा खाने में मसरूफ, शहरियों ने गाजर के हलवे को सर्दी की बेहतरीन सौगात करार दे दिया।